गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सभी करेंगे पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ बताते भी हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, प्लस समान अर्थ बताने वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे नंबर एक, दिन। दिन के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? दिवस, बार, बासर, दिशा, ये सारे क्या हमारे दिन के पर्यायवाची हैं। नंबर दो, कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, बसन, पट, चीर, ये सारे क्या हमारे दिन कपड़ा का पर्यायवाची है। पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या क्या कहते हो? भूमि, धरती, धरा, वसुधा, ये क्या हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची। सांप का पर्यायवाची सर्प, भुजंग, बिस्धरो, ब्याल। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, ये सभी क्या है गंगा के नाम या पर्यायवाची हैं। रात। रात को हम रात्रि भी कहते हैं, निशा, रजनी, रैन, ये सब क्या है रात के पर्यायवाची हैं। उपवन, वाटिका, उद्यान, बगीचा, फुलवारी, ये सब हमारे क्या है उपवन के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची बेटा, लड़का, सुत और वत्स, ये हमारे क्या है पुत्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब शब्द तो एक ही हो लेकिन क्या है उसके अर्थ अनेक हो, वो हमारे क्या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुरु। अब गुरु के क्या क्या अर्थ निकलते हैं? गुरु में से एक शिक्षक होता है, जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, भारी भी होता है गुरु का अर्थ और श्रेष्ठ भी होता है गुरु का अर्थ। हरि। हरि का अर्थ क्या होता है? विष्णु, शेर, बंदर, घोड़ा। सुमन का फूल, अच्छा मन और देवता। बाल का अनेक अर्थ है केश, बालक। और पानी को क्या क्या कहते हैं? चमक, जल और मान, ये पानी के क्या है अर्थ हैं। घट का अर्थ क्या क्या होता है? शरीर, घड़ा, कम, हृदय, ये सारे क्या हमारे घट के अनेकार्थक शब्द हैं। धन्यवाद।